जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर बालाघाट जिले के किरनापुर से। स्वतंत्रता को बल देता है समता न्याय का फल देता है भारत का संविधान। संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। तहसील मुख्यालय किरनापुर के अंबेडकर नगर में संविधान दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय महाविद्यालय किरनापुर के प्राचार्य डॉक्टर सुनीता जैन एवं विशेष अतिथि के रूप में प्रवीण मेश्राम, अध्यक्ष संविधान फाउंडेशन बालाघाट आनंद खोबरागड़े, पीडी भालदरे तिवारी सरे के खान सर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पालन सिंह परते अजाकस किरनापुर द्वारा की गई। इस अवसर पर मंचासीन वक्ताओं द्वारा भारत के संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संविधान में हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व एवं करुणा दिलाने के लिए कार्य किया गया है। देखे पूरी खबर किरनापुर से भीमराव डोंगरे की रिपोर्ट। डॉक्टर खान सर, सम्माननीय पालमा सिंह परते जी, सम्माननीय आनंद खोबरागड़े जी, तिवारी जी और सबसे सुंदर हमारे मंच का संचालन करने वाले भाई वनेंद्र मेश्राम जी और मेरे सभी बहनी और भाई और ये प्यारे से बच्चे, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और बहुत ज़्यादा संविधान के यहाँ पे वक्तागण हैं जिनको बरसों का संविधान के बिना विभिन्न अनुच्छेद विभिन्न भागों पर काम करने का अवसर मिला है। और इस मंच पर आकर यकीन जानो कि सबसे ज़्यादा गौरव की अनुभूति अगर आज किसी को हो रही होगी आप सबके बीच में तो वो मैं हूँ। और ये इस बात का संदेश है कि यदि बाबा साहेब नहीं होते तो ये जो आधी आबादी बैठी है और मंच में मेरे और ताई के जैसे जो लोग बैठे हैं वो समुदाय में कभी भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता और कभी उनको ये अवसर मिलते ही नहीं। ये छोटी सी बात है लेकिन इस बात के पीछे कितना संघर्ष रहा होगा वो तो हमारे बाबा साहेब ही जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने इतने संघर्षों के बाद हमको, मैं कहूँ सिर्फ हमको नहीं, इस देश की आज जो 140 करोड़ आबादी है उन सबको अधिकार निरंतरित है। इस धरती पर पैदा होते ही उससे वो अधिकार मिल जाते हैं कि हमारे संविधान की खूबसूरती है। मैं इसकी उद्देशिका पे आना चाहती हूँ तो उसकी जो उद्देशिका होती है आप एक बार पढ़ के देखिएगा और उसको महसूस करके देखिएगा। जैसे मैं जब भी पढ़ती हूँ वाचन होता है वो किसी कविता से मुझे खूबसूरत नजर आती है जिसमें सारे रस और संसार की सारी चीजें जो हमें मिलनी चाहिए एक मानव होने के नाते वो हमें उस उद्देशिका में से प्राप्त होती है। वो उद्देशिका नहीं है ये बात हमें अपने घर में हमें सरकारों के भरोसे रहने के बजाय अपने घर में बच्चे को जैसे आप कोई मंत्र सिखाते हैं या गायत्री मंत्र या क्रिश्चियन है या अपने धर्म का या अपने जाति समाज का हमें ये सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। तब हमें लगेगा कि हमने संविधान को सम्मानित किया और संविधान को हम सम्मान देना जानते हैं और ये संविधान का हक है। बहुत सारे विश्लेषण में यहाँ पर नहीं करना चाहूंगी लेकिन संविधान के साथ जो मेरी अनुभूतियां जुड़ी है और संविधान के साथ जो मुझे अर्जन हुआ है इस पूरे अपनी उम्र के दौरान उसके बारे में मुझे जो छोटे छोटे अनुभव हुए हैं उन अनुभवों को मैं जरूर आप लोगों के बीच साझा करूंगी। संविधान कोई विचारधारा नहीं है ये बात हमको सबको पहुंचानी चाहिए। संविधान उस देश के जितने भी प्रतिनिधित्व करते थे पिछले लंबे 100-150 सालों से यानी 1835 से जब से विधान की बात आई संविधान जब से अधिकार की बात आई तब से ये विचारधाराएं चली आ रही थी। तो संविधान कोई विचारधारा नहीं है संविधान सबकी सहमतियों का स्वर है। इस बात को भी हमको धीरे धीरे बताना पड़ेगा ये किसी की आइडियोलॉजी नहीं है ये सबकी सहमतियां हैं।